राजस्थान विधानसभा सत्र चल रहा है और हमारे साथ मौजूद है उपनेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कुछ सत्र में रहने वाला और किस तरीके से सरकार का घेराव विपक्ष करेगा। सर, राजस्थान की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। टिड्डी ने राजस्थान के 12 जिलों के में किसान की फसल को तबाह कर दिया। आज भी एक सवाल के जरिए राजस्थान की सरकार को हमने घेरा, उनका उत्तर निरुत्तर था। किसान के कर्जे के नाम पर किसान से जिस प्रकार की वादा खिलाफी हुई है, बेरोजगारी भत्ते का झुंझुना पकड़ाकर 27 लाख बेरोजगारों के सपनों को चूर करने वाली ये कांग्रेस सरकार, जहाँ ना कानून है ना व्यवस्थाएं हैं, चरमराई हुई कानून व्यवस्था, इन सब बातों को लेकर हम रोज़ सरकार को घेर रहे हैं। सरकार निरुत्तर हो रही है और सरकार के खुद के दो पावर सेंटर बनने से इस प्रकार के हालात पैदा हुए हैं। विपक्ष हर दिन नए मुद्दे पे वॉकआउट का, मतलब आज भी वॉकआउट किया था और एक बिल, जो बिजली के बिल की दरें बढ़ाई गई है उसके ऊपर सीधा साधा निशाना अदानी का हुआ था, ऐसा कुछ? बिजली की दरों को नहीं बढ़ाने का वादा इन्होंने किया था 5 साल तक, और अभी आम उपभोक्ता पर 15 से 20% की बिजली की दरों को बढ़ाने का काम किया। अडानी पावर प्रोजेक्ट के 2700 करोड़ रुपये राजस्थान की सरकार को देने थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, अब 1 करोड़ 20 लाख उपभोक्ताओं पर 5 पैसे प्रति यूनिट का भार इन्होंने 36 महीनों के लिए डाला है। मैं समझता हूँ ये सरकार जन विरोधी सरकार है। राजस्थान का बजट पेश होना है तो क्या लगता है सर, जन कल्याणकारी बजट होगा? क्या सरकार के मंसूबे हैं जन कल्याणकारी? सरकार के जो है ना, पल्ले नहीं दाना अम्मा चली भुनाने, वो बात है। सरकार के पास वित्तीय संसाधन नहीं है, वित्तीय अराजकता में राजस्थान की सरकार फंस चुकी है। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे पर क्या कुछ कहना है? दिल्ली विधानसभा का चुनाव, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार मुफ्त की रेवड़ियां बांटी गई उससे प्रभावित चुनाव था। एक वर्ग विशेष के ध्रुवीकरण के कारण से ये चुनाव हुआ, परंतु भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। पिछले बार जो वोट प्राप्त हुए उससे ज़्यादा प्रतिशत वोट प्राप्त हुए हैं, और दिल्ली में 15 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस 00 पर आकर खड़ी हो गई। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी सर्वनाकार है। ये थे हमारे साथ उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़, और इन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही राजस्थान में जो बजट पेश होना है उन पर हमसे बात की, और साथ ही गहलोत सरकार पर एक सीधा सीधा निशाना साधा कि ये पूरी गहलोत सरकार अपने मंसूबों में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और इनका बजट भी कोई खास पेश होने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन अमित पारी के साथ हेमंत शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।